खीरा समर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। खीरा में लगभग 96% वाटर पाया जाता है, जिससे कि खीरा खाने से बॉडी में वाटर की कमी नहीं आती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसलिए आप खाने के साथ साथ खीरा को अपने फेस पे भी ज़रूर लगाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकुम्बर फेस पैक हम कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाफ खीरा लिया है, उसके बाद इसे छिलके को हमें नहीं निकालना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और हमें मिक्सी में इसे पीसना है। खीरा में विटामिन सी ए ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम को दूर करने में ये काफ़ी लाभकारी होता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके फेस पे रिंकल की भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे काफ़ी हद तक कम करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कोकुम्बर का फेस पैक कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 स्पून कोकुम्बर का ये पेस्ट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज पाउडर लिया हुआ है। इसे इसका भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है कि ऑरेंज का पाउडर हम कैसे बनाते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन पे देख लूँगी, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद 1 स्पून हम बेसन लेंगे। इसके बाद हमें इन सबको अच्छे से मिलाना है और स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ये फेस पैक गर्मियों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। मैंने इसे खुद यूज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो फेस पैक लगाने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, फेस के ऊपर कोई भी मेकअप ना रहे, बट मैंने अपने लिप पे हल्का सा लिप ग्लो लगाया हुआ है। उसके बाद हमें इस फेस पैक को अपने फेस पे लगाना है और हमें अपर डायरेक्शन में लगाना है। आप कभी भी कोई भी फेस पैक लगाएं तो आप फेस पैक को अपर डायरेक्शन में ही लगाएं। खीरा सारे स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है, बट ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। खीरा फेस पैक लगाने से हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, ग्लोइंग होती है और एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करने में ये काफ़ी हद तक लाभकारी पाया जाता है। इसलिए आप सभी इसका यूज़ ज़रूर करें समर में, खास करके तो आपको खीरा खाना भी चाहिए और फेस पे भी लगाना चाहिए। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस पे ही फेस पैक लगा लिया है। मैंने आपको पूरा लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड पे हल्की हल्की पिगमेंटेशन हो गई है। अगर आपके भी स्किन पे फेस पे पिगमेंटेशन हो तो आप यहाँ पे एक और लेयर इस कोकुम्बर का जो फेस पैक है उसे लगा सकते हैं। जैसे मैं एक और लेयर यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हल्के हल्के पिगमेंटेशन हो चुके हैं और ट्रस्ट में ये फेस पैक मैंने लगाया है, मुझे काफ़ी अच्छा ठंडक सा लग रहा है, काफ़ी पसंद आया है। आप जब भी ये फेस पैक लगाओगे ना तो आपकी स्किन काफी हद तक ऐसा लगेगा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, सच में ट्रस्ट में, आप सभी जरूर यूज करना। उसके बाद जब ये ड्राई ना हो जाए 10-15 मिनट तक हमें इसे रखना है, उसके बाद हमें फेस वॉश कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग भी लग रही है। आप सभी ज़रूर ट्राई करना और मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी प्रेस करना। तो आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर में डिफ्रेंस भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट। इस फेस पैक को आप अपने फेस एंड नेक दोनों जगह ज़रूर अप्लाई करें।